नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय। लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की बातें सामने आ रही थीं, जिन पर अब विराम लग गया है। शिवराज कैबिनेट में 3 नए मंत्री शामिल हो चुके हैं। ये सभी शपथ लेने राजभवन पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आखिरकार कैबिनेट का विस्तार कर ही दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। राजभवन में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बालाघाट से विधायक गौरी शंकर बिसेन, रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला और खरगापुर से विधायक राहुल लोधी ने राजभवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल की उपस्थिति में मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें कि कई दिन से शपथ को लेकर अटकलों का दौर जारी था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवराज कैबिनेट के हुए विस्तार में जिन 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है, वो प्रदेश के 3 अंचल से आते हैं। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाए गए राजेंद्र शुक्ल विंध्य क्षेत्र से आते हैं और उनका विंध्य की राजनीति में खासी पकड़ है। अगर बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो विंध्य में भाजपा को खासी बढ़त मिली थी और विंध्य में आने वाली 30 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा को विंध्य में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसे में विंध्य की सियासत को साधने के लिए भाजपा ने राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाया है। इसके साथ राजेंद्र शुक्ल विंध्य ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे हैं और अकेले विंध्य अंचल में ब्राह्मण समुदाय का 14% वोट बैंक है। ऐसे में सीधी पेशाब कांड के बाद ब्राह्मण समुदाय का बड़ा वोट बैंक जो भाजपा से नाराज है, उसको रिझाने के लिए राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाया गया है। वहीं शिवराज सरकार में आज कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले बालाघाट से भाजपा विधायक गौरी शंकर बिसेन महाकौशल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। दरअसल शिवराज कैबिनेट के चौथे में महाकौशल से अब तक केवल रामकिशोर कांवरे ही थे। ऐसे में महाकौशल क्षेत्र, जहां से कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी आते हैं, वहां की सियासत को साधने के लिए भाजपा ने अपने सीनियर नेता गौरी शंकर बिसेन को फिर मंत्री बनाया है। अब तक बालाघाट से ही आने वाले रामकिशोर कांवरे को राज्य मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री कांवरे बालाघाट जिले से पहली बार विधायक चुने गए थे। गौरतलब है कि पूर्व में शिवराज सरकार के मंत्री रहे गौरी शंकर बिसेन को दरकिनार कर रामकिशोर कांवरे को मंत्री बनाया गया। प्रदेश में पिछले दिनों अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया था, तब गौरी शंकर को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाकर ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राहुल लोधी पहली बार विधायक बने हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। लोधी खरगापुर सीट से विधायक हैं। राहुल को शामिल करके बीजेपी ने बुंदेलखंड और उमा भारती को साधने की कोशिश की है। राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे होने के नाते क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। इससे पहले साल 2013 में भी उन्हें पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन 2018 में उन्हें जीत मिली। मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्रियों के पद खाली थे। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार करना बीजेपी की असंतुष्टों को खुश करने की कवायद है। बीते 3 दिनों में नए मंत्रियों के संभावित नामों की चर्चाएं हो रही थी। कई नेताओं के नाम सुर्खियों में थे और उनके मंत्री बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।